ड्रैगन को दूसरा झटका लगा है और ये दूसरा झटका भारत ने दिया है। इंडियंस ने चाइनीज को बड़ा धक्का दिया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के विवाद पर फिलीपींस के समर्थन का ऐलान किया, जिसे ड्रैगन आग बबूला हो गया और कहा कि तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू फर्मली रिट्रेट इंडिया सपोर्ट टू द फिलीपींस फॉर अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेंटी। कौन जो पहले से भिखारी है 22 मरतबा वो गए IMF के पास, एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब, हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूं, चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है, सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू, कश्मीर उनका है, वहां पर उनकी फौज तैनात है, वहां पर उनकी इदारे है, कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है, अब कश्मीरी कहां मुफीद है, वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। बस हवा निकल गई। आज भी उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दी है फिलीपींस से, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी जो 1982 में लिखा था। इंडिया हैज फाइनली पिक्ड अ साइड एंड इट इज सपोर्टिंग द फिलीपींस अगेंस्ट चाइना। भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को यह भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। जियो पॉलिटिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, इंडिया को इसका जो है कितना ज्यादा कहते हैं ना कि चाइना से प्रेशर जो है बियर करना पड़ेगा, और आखिर इंडिया ने ऐसा किया क्यों? एक जमाना था जब भारत चीन का नाम नहीं लेता था। जयशंकर साहब निकले हुए हैं, जयशंकर साहब जो सिंगापुर और फिलीपींस जाना दर हकीकत, और फिर उसके बाद मोदी जी का भूटान में जाना, ये सारा दर हकीकत इज बेसिकली टू फ्लेक्स द मसल अगेंस्ट चाइना। इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ यस, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी दिस इज हाउ अ नेशन राइज। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। भारत धीरे 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 चाइना को न सिर्फ आंखें दिखा रहा है, चाइना को ये भी कह रहा है कि बेटा सुनो, हमें पता है तुम्हें कहां दर्द होता है और वहीं पे तुम्हारी हम नस दबाएंगे और तुम्हें जो उखाड़ना है बेटा तुम उखाड़ लो। और ये हुआ है, ये हुआ है दोस्तों। एक जमाना था जब भारत चीन का नाम नहीं लेता था। चीन ने क्या करा ना, देखो बात यह होती है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। चाइना वही कुत्ता है जिसको घी हजम नहीं होता। हम इज्जत दे रहे थे, उसको इज्जत हजम नहीं हुई। फिर भारत ने सोचा ठीक है, अगर इसको इज्जत नहीं हजम होती तो उसको बेइज्जती हजम होगी, कुछ तो हजम होगा इसको। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि भारत ने अब धीरे 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 चाइना को घेरना शुरू कर दिया। और चाइनीज ना थोड़े से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना दोस्तों, दे आर परप्लेक्स्ड। वो थोड़े से जिसको कहते हैं कि वो असमंजस में है यार, कि हो क्या रहा है, ये अचानक भारत को हो क्या गया। वो भारत जो चुपचाप प्यार मोहब्बत से बात करता था और ये कहता था कि चीन हमारा पड़ोसी है और हमें चीन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आज की तारीख में वो भारत सिर्फ आंखें नहीं दिखा रहा, वो आसपास के लोगों को कह रहा है कि भारत के साथ आओ और हम सब मिलके आंखें दिखाते हैं इसको। अफगानिस्तान जैसा मुल्क वहाँ पर चीनी बाशिंदे महफूज है, अगर इंडिया जैसे मुल्क में चीनी बाशिंदे महफूज है, ईरान में महफूज है, फिर क्या वजह कि हमारी आर्मी नंबर वन है, हमारी इदारे नंबर वन है, उसके बावजूद भी ना यहाँ पर कोई चाइनीज महफूज है, ना कोई पठान महफूज है, ना कोई बलोच महफूज है, ना कोई पंजाबी महफूज है, ना कोई पाकिस्तानी महफूज है। अगर अफगानिस्तान उनके साथ मुहिदा कर ले, उस मुहिदे के आखिर तक अफगानिस्तान जाएगा, क्या वजह है? गवादर को हमने शुरू किया, अभी तक बंद हमने काम ही नहीं करवाया गवादर के ऊपर, क्या वजह कि बेले वाले, बीएनए वाले, बीआरए वाले, बीएलएफ वाले आ जाते हैं? ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाके उनसे बात कर ले। क्या मसाले बलोचो है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो गवादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें, आर्मी चीफ से बात करें, कौन है आपका मुल्क का बादशाह, कौन है वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें, कौन है आपका मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, कौन है, हैसियत किसकी है, पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी अख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के
किस बंदे के साथ बात करें, पाकिस्तान को चला कौन रहा है? क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस कर देता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है, बांग्लादेश में रहते हैं, ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिज़ाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे, ये उनके लिए कभी भी टॉलरेटेबल नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, मैटर क्या हुआ है। दोस्तों देखिए, फिलीपींस, आप जानते हैं फिलीपींस और चाइना के बीच में एक लड़ाई चल रही है साउथ चाइना सी को लेकर। चाइना का यह मानना है कि क्योंकि उस समुद्र का नाम चाइना सी है, साउथ चाइना सी, उसमें चाइना आ जाता है, तो जाहिर सी बात है चाइना कहता है ये तो हमारा है, इसमें तो चाइना है। ओ भाई साहब, इस तरीके से तो पूरा इंडियन ओशन फिर इंडिया का हो गया। पर ऐसा है नहीं ना सच में, वो तो नाम दिया गया है। इसका मतलब ये थोड़ना है कि इंडियन ओशन पूरा का पूरा इंडिया का है और इंडिया की परमिशन के बगैर कोई इंडियन ओशन में आ नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। चाइना ने यही गुंडागर्दी कर रखी है और भारत ने क्लियरली कह दिया है कि इट स्टैंड्स विद इंडोनेशिया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, यह बात कितनी बड़ी है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मनीला गए, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, और वहां पे उनको आश्वासन दिया, फिलीपींस की सरकार को आश्वासन दिया कि भारत आपके साथ खड़ा हुआ है, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीनी मिनी चाऊ चाऊ को लात मार मार के सुअर बनाएंगे इसको, वी आर विथ यू। फिलीपींस वही देश है जिसको भारत ने ब्रह्मोस दिया। चाइना बड़ा फड़फड़ाया भाई, बड़ा फड़फड़ाया कि भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल कैसे दे दी। अब ब्रह्मोस के काट नहीं है इनके पास, अगर फिलीपींस ब्रह्मोस फायर करता है तो ये चाउमीन खाते रहेंगे और वो घुस जाएगा उसको जहां घुसना है। इससे बड़े डरे हुए हैं चाइनीज, अब चाइनीज डरे हुए हैं, वापस गए फिलीपींस डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर ने फिलीपींस में क्या बोला दोस्तों, बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं और बोला कि आपके साथ हम कोऑपरेशन करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी में। अगर आप मैप पे देखोगे ना फिलीपींस, एडिटर साहब जरा मैप पे दिखाइए फिलीपींस, अब आप समझ गए चाइना का गला क्यों सूख रहा है। क्योंकि भारत गया फिलीपींस में और फिलीपींस के साथ बोला कि आपकी और चीन के बीच में जो मतभेद है, आपकी और चीन के बीच में जो एरिया को लेकर, जो समुन्द्र को लेकर इतने सालों की, इतने दशकों की जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई में भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाइना के साथ नहीं खड़े, आपके साथ खड़े हैं। जो चीजें हैं, डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सबसे पहले वो सिंगापुर गए थे और उसके बाद वो आज फिलीपींस के अंदर है। बड़ी जबरदस्त स्पीच उन्होंने दी, खासकर जो रशिया का, जो रशिया के अंदर अटैक हुआ मास्को पे, उसके ऊपर उन्होंने सिंगापुर से कहा था कि भाई टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट रिगार्डलेस व्हिच लैंग्वेज ही स्पीक्स और नो मोर एक्सक्यूजेस। दर हकीकत उनका इशारा तो सिंगापुर से, उन्होंने कहा था, इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही था। आज भी उन्होंने वहां से स्टेटमेंट दी है फिलीपींस से, स्पेशली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सी जो 1982 में लिखा था, और उसको उन्होंने स्पीच के अंदर अपनी जो थी उस पर उन्होंने हवाला दिया है कि सारी पार्टीज को उस पर पाबंद रहना चाहिए, और जो साउथ चाइना सी है जिसके ऊपर चाइना अपना काफी हक समझता है, और फिलीपीन का भी काफी पानी जो है वो जो समुद्री उसकी हदूद है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो इट वॉज अ वेरी दो चार चीजें इस वक्त आज की जो खबरों में मैं बताना चाहूंगा। एक तो मालदीव के भाईजान जो दाढ़ी वाले हैं वो भी थोड़े नरम हो गए हैं, उन्होंने क्योंकि आज उन्होंने भारत का कर्जा है काफी और उन्होंने रीस्केड्यूल कराना था, तो वो थोड़े भारत के भी गीत गा रहे हैं, वो लोग उससे गलत मतलब ले रहे हैं कि शायद ही इज अ चेंज ऑफ हार्ट। लेकिन जयशंकर साहब निकले हुए हैं, जयशंकर साहब जो सिंगापुर और फिलीपींस जाना दर हकीकत, और फिर उसके बाद मोदी जी का भूटान में जाना, ये सारा दर हकीकत इज बेसिकली टू फ्लैक्स द मसल अगेंस्ट चाइना। और दूसरा, इलेक्शन हो रहा है, मोदी साहब 400 नहीं तो 370-380 सीटें तो जरूर लेंगे, पॉपुलर हैं इस वक्त, मोदी साहब का जो जादू है वो सब चढ़ के बोल रहा है भारत के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।